हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसएससी एग्जाम कॉर्नर में। जैसा कि आपको मालूम ही होगा, बिहार एसआई मेंस का जो डेट निकल चुका है और बहुत कम समय रह गया है, जिसके निश्चित है कि उसी तारीख को एग्ज़ाम होगा। जैसा कि मैंने बताया था कि उसी मंथ में होगा, और जब तक कि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आपको देखने के लिए मिल ही गया होगा। ये देखिए, यहाँ मैंने आपको डाल दिया है कि आज के न्यूज़पेपर में और कट पेपर में। तो निश्चिंत रहिए, इसी तारीख को एग्ज़ाम होना है और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। बहुत कम समय रह गया आप लोग के पास, और जैसा कि मैं आप लोग के लिए आने वाले एग्ज़ाम, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए हिंदी का सीरीज ला रहा था, और ख़ासकर बिहार एसआई मेंस के लिए, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैं नेक्स्ट सीरीज का वीडियो लेके हाजिर हूँ। मैं जल्दी ही आपका हिंदी का सारे टॉपिक क्लियर कर दूंगा। लगभग 8 या 9 टॉपिक मैं आपका करा चुका हूँ इस पर हिंदी का। तो आपने अगर वीडियो मेरा नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक करके देख सकते हैं। और रही बात और जो बचे हुए चैप्टर हैं, तो आने वाले एक वीक के अंदर मैं आपको जल्दी से जल्दी समाप्त कर दूंगा। और रही नेक्स्ट बात की मुहावरे जो हैं, मुहावरे और लोकतियाँ जो है, तो वो तो आप बुक से याद कर ही सकते हैं, फिर भी अगर आप लोग कहेंगे तो उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा। वो दो टॉपिक है, मुहावरे हैं, लोकतियाँ हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मुहावरे और लोकतियों के भी वीडियो चाहिए, तो मैं उसका ज़रूर बना दूंगा। तो चलिए, आज मैं आपके लिए वर्णमाला चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो कि पूछे जाते हैं, और मेरा राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं है, फिर भी अगर मैंने समझाने के लिए आपको किया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरे वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, अगर जाते वक्त अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे परिश्रम का मेहनत आपका एक लाइक बटन है, जरूर दबा के जाइएगा। मेरे परिश्रम का फल बस वही आपका एक लाइक बटन है। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगे वीडियो तो नीचे लाइक बटन है, जरूर दबा के जाइएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट आपकी ध्वनि या वर्ण किसे कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि या वर्ण कहते हैं, और वर्ण तो इसका एक सीरीज होता है, जैसे कि वर्ण होता है, वर्ण से मिलकर अक्षर बनते हैं, अक्षर से मिलकर पद बनता है, पद से पदवंग, पदबंध से उपवाक, उपवाक से वाक्य। ऐसा सीरीज ऑब्जेक्टिव टाइप में एक पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि वर्णों के सीरीज बताइए कि कैसे होता है। तो वर्ण, अक्षर, पद, पदबंध, उपवाक, वाक इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं। मैं आपके लिए ये नोट्स अपने से लिख के लाया हूँ जो कि पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जरूर एक बार देख लीजिएगा, वर्ण उसके बाद मिलके अक्षर बनता है, अक्षर मिलके पद बन जाता है, पद मिलके पदबंध बनता है, उसके बाद उपवाक, और उपवाक मिलके वाक्य का निर्माण करता है। नेक्स्ट है उच्चारण के आधार पर आपको 45 वर्ण है, 10 स्वर और 35 व्यंजन। लेखन के आधार पर आपको 52 मिलते हैं, 13 स्वर और 35 व्यंजन और 4 अर्ध स्वर होते हैं जो कि इसमें जोड़े जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि उच्चारण के आधार पर कितने स्वर वर्ण होते हैं, तो 45 होते हैं, और लेखन के आधार पर तो 52 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट है कि अल्पप्राण और महाप्राण, आपने देखा होगा कि बहुत बार पूछा जाता है कि क अल्पप्राण है कि महाप्राण है, ख कौन सा प्राण है, महाप्राण, अल्पप्राण, तो ये जरूर पूछा जाता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको एक सीरीज में बताता हूँ। यहाँ से क से लेकर वर्णमाला, यहाँ क से लेकर प तक है, इसमें 3-4 बातें आपको जाननी है। पहला बात जानना है कि अल्पप्राण और महाप्राण कौन होगा। तो देखिए, हर वर्ण जो किसी की क वर्ग होता है, च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है, प वर्ग होता है, 4 वर्ग होते हैं। तो हर वर्ग का पहला अक्षर अल्पप्राण होता है, फिर एक महाप्राण होता है, फिर एक अल्पप्राण होता है, फिर एक महाप्राण, और लास्ट अक्षर अल्पप्राण। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा एक एक सीरीज छोड़ के चलता है, ये याद रखिएगा। अल्पप्राण, महाप्राण, ये बात सिर्फ याद रखिएगा कि कहाँ से स्टार्ट होता है, अल्पप्राण से स्टार्ट होता है, अल्पप्राण, महाप्राण। तो हर एक सीरीज छोड़ के चलता है, जैसे कि क होगा आपका अल्पप्राण तो ख महाप्राण, ग अल्पप्राण तो घ महाप्राण, और अंग अल्पप्राण। ये आप याद करने का ट्रिक है जो कि आप याद कर सकते हैं। सिर्फ याद रखिएगा कि पहला अक्षर अल्पप्राण होता है किसी भी वर्ग का, उससे आपको याद हो जाएगा कि पहला अक्षर। ऐसे ही च वर्ग में देखिए, च वर्ग पहला होगा अल्पप्राण, छ महाप्राण, ज अल्पप्राण, झ महाप्राण, इय अल्पप्राण। तो वैसे ही सिर्फ याद करिएगा कि वर्ग का पहला अक्षर, पहली नंबर बात कि वर्ग का पहला अक्षर अल्पप्राण होता है, ये बात याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जरूर ही आपको मिलेगा एग्जाम में। देखिएगा, आप एग्जाम दे के आइएगा तो बताइएगा कि
कि आया था कि नहीं। नेक्स्ट है च वर्ग, और दूसरा बात होता है अघोष और सघोष पहचानने की, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा फ कौन सा वर्ण है तो अघोष वर्ण है, फ कौन सा वर्ण है तो अघोष वर्ण है, ये सब पूछा जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अल्पप्राण महाप्राण किसे कहा जाता है, तो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, अल्पप्राण किसे कहा जाता है और महाप्राण कौन से अक्षर होते हैं, तो हर वर्ग का पहला अक्षर अल्पप्राण होता है, उसके बाद महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, ऐसे की सीरीज चलती है। तो ये आपको कंठस्थ आई होप समझ में आ गया होगा अच्छा से, अल्पप्राण महाप्राण। नेक्स्ट है अघोष सघोष, तो हर वर्ग का पहला दूसरा अक्षर अघोष और बाकी सब सघोष होता है, याद रखिएगा, पहला दूसरा अघोष और बाकी सब सघोष, पहला दूसरा अघोष, पहला दूसरा अघोष, पहला दूसरा अघोष, पहला दूसरा अघोष, तो ये पूरा अघोष हो गया पहला दूसरा। तो याद रखने का तरीका है, पहला हर वर्ग का पहला और दूसरा, हर वर्ग का पहला और दूसरा आपको अघोष होगा, यहाँ से यहाँ तक देखिए, पहला और दूसरा अघोष होगा, बाकी सब सघोष होगा। तो ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा वर्ण अघोष है या सघोष है। तो दो बातें मैंने आपको कही, दो बातें आपको याद हो गई होगी, पहला बात कि अल्पप्राण महाप्राण कौन है, तो हर वर्ग का पहला अक्षर अल्पप्राण और उसके बाद महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण का सीरीज चलता है। नेक्स्ट है कि दूसरा कौन सा वर्ग सघोष अघोष कौन सा होगा, तो हर वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर अघोष और बाकी सब सघोष होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आते हैं, ये कौन सा का उच्चारण स्थान कौन सा है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये तो बहुत बार पूछा जाता है कि उच्चारण स्थान क्या है, जैसे कि क का उच्चारण स्थान क्या है, थ का उच्चारण स्थान क्या है, म का उच्चारण स्थान क्या है। तो आप एक सीरीज याद कीजिए, कंठ, तालु, मूर्धन्य और दंत और ओष्ठ। कंठ खुद एक बार अनुभव करके देखिए, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, पहले आप कंठ का अनुभव कीजिए, फिर तालु का अनुभव कीजिए, फिर मूर्धन यानी कि दांत और कंठ के बीच का भाग को मूर्धन कहते हैं, यहाँ पर जो जीभ लाते हैं बीच में इसे मूर्धन कहते हैं। नेक्स्ट है दंत और लास्ट है ओष्ठ। तो याद करिए, क वर्ग हमेशा कंठ से होगा, क से क वर्ग, क से कंठ का उच्चारण, यानी कि क वर्ग का कोई भी वर्ण आए आपको, या से क से लेके अंग तक, तो वो कंठ से उच्चारण होगा। च वर्ग का कोई भी आए तो वो तालु से उच्चारण होगा। देखिए आप च जैसे ही बोलते होंगे आपका जीभ जाके तालु में सट जाता होगा, जैसे च वर्ग का कोई भी अक्षर आप बोलिए, झ बोलिए, झ, तो ऊपर जाके आपका जीव डायरेक्ट तालु में सटेगा। तो ये तालु होता है, च वर्ग का कोई भी शब्द अगर आए तो वो तालु से होगा। नेक्स्ट है ट वर्ग, ट वर्ग का उच्चारण स्थान, ये मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम में कि ट का क्या होगा, मूर्धन होगा या दंत होगा। तो एक सीरीज है जिसे याद करके आप कन्फ्यूजन, आप खुद भी वहाँ पर कोई भी वर्ण है डायरेक्ट आप उच्चारण करके आप जान सकेंगे कि कौन सा का उच्चारण स्थान कहाँ है। नेक्स्ट है ट वर्ग का उच्चारण स्थान, देखिए ट वर्ग का जैसे ही आपको, तो दांत और तालु के बीच में आपका जीभ जाएगा, दांत और तालु के बीच में जाएगा। ट वर्ग का कोई भी चीज़ उच्चारण कीजिए, देखिए ढ, ठ, न, तो ये डायरेक्ट आपको तालु और दंत के बीच में जाता है, जिसे मूर्धन्य कहते हैं। तो ये इसका उच्चारण हो जाएगा ट वर्ग का मूर्धन्य। नेक्स्ट है त वर्ग, त वर्ग का उच्चारण स्थान तो आपको तथा जितना भी होगा दंत से होगा, त जब भी आप उच्चारण कीजिएगा दांत आप जीभ आपका दांत में जाकर सटेगा, त वर्ग का कोई भी, लेकिन ये ध, न, द, थ, तो ये डायरेक्ट जाके आपका दांत में स्पर्श करेगा, तो ये दंत हो गया इसका उच्चारण स्थान। प वर्ग का हमेशा ओष्ठ होता है, आपको मालूम ही होगा, प, फ, ब, भ करके कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा है, अब तो ये पफ व से लेके कख ग से लेके आपको कख ग से लेके पफ व म तक की बात हो गई, यानी कि अब इसमें यड़ लवर नहीं है। तो यहाँ तक आपको सघोष अघोष याद होगा, तीन बातें मैंने इसमें आपको सिखाई, पहला कि सघोष अल्पप्राण महाप्राण कौन है, तो पहला अक्षर अल्पप्राण और दूसरा तीसरा का श्री चलता है और ऐसे ही कंटिन्यू रहता है। नेक्स्ट है कि अघोष सघोष, तो पहला और दूसरा अघोष, बाकी सब सघोष होता है। और तीसरा बात मैंने बताया कि किसका उच्चारण कहाँ है, तो क वर्ग कंठ, च वर्ग तालु, ट वर्ग मूर्धन्य, त वर्ग दंत और प वर्ग ओष्ठ। नेक्स्ट है आपको मैंने जो बताने वाला हूँ, यड़ लव, यड़ लव आ जाता है तो ये अंतस्थ व्यंजन है और सघोष अल्पप्राण है। यड़ लव से लेके यड़ लव, ये आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। यड़ लव ये आपका सघोष अल्पप्राण है, देखिए ये सब याद करना आसान है,
और ये जो नहीं ये अलग है इसलिए इसको इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो य और ल व आपको अंतस्थ व्यंजन है और सघोष अल्पप्राण है। नेक्स्ट है तलाबे स मूर्धन्य स दंती स। तो तलाबे स मूर्धन्य स दंती स ये अघोष होता है महाप्राण और उष्ण और संघर्षी वर्ण भी इन्हें कहा जाता है अंतस्थ, यानी कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहा जाता है जैसे ही आपसे पूछा जाएगा तो य ल व आ जाएगा। उष्ण या संघर्षी व्यंजन किसे कहा जाता है तो तलाबे स मूर्धन्य स और दंती स और ह को कहा जाता है। लेकिन इसमें ह एक सघोष होता है बाकी सब अघोष होता है। ह एक सघोष होता है और बाकी सब अघोष होता है। नेक्स्ट है अनुस्वार एवं विसर्ग। तो अनुस्वार और विसर्ग से जो भी अनुस्वार हो और विसर्ग हो ऐसे आपको देखने के लिए मिलेंगे अनुस्वार और विसर्ग। तो अनुस्वार और विसर्ग मिलेंगे जो देखने के लिए तो वो होते हैं आपको अयोगवा, उन्हें अयोगवा कहते हैं। ये याद रखिएगा अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवा कहते हैं। नेक्स्ट है उच्चारण स्वर के प्रकार होते हैं। तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर तीन प्रकार के होते हैं उच्चारण के आधार पर। और जीभ का प्रयोग, तो जीभ का अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं अग्र स्वर, मध्य स्वर, प्रश्च स्वर, पश्च स्वर होते हैं। नेक्स्ट है ओष्ठ। ओष्ठ के स्थिति के आधार पर अवृत मुखी और वृत्त मुखी होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ओष्ठ के अथवा मुख द्वार के आधार पर विवृत, अर्धविवृत, अर्ध संवृत और संवृत होते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं मुख द्वार के आधार पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हवा एवं नाक के आधार पर। तो निर्नासिका अनुनासिका स्वर दो प्रकार के होते हैं और ये पूछा जाता है कि कौर मूर्धन्य स को मिलकर क्या बनेगा, तो छ बनेगा। ज्ञ का संधि विच्छेद, तो ज्ञ जोड़ इय मिलेगा तो ज्ञ बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है याद कर लीजिएगा, ज्ञ जोड़ इय मिलेगा तो ज्ञ। स्र का तो स्र जोड़ र मिलेगा तो तलाबे स्वर और र मिलेगा तो स्र। त्र का तो त्र त और प्लस र हो जाएगा तो त्र। तो चलिए इससे जुड़े इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं एक बार। भाषा की सबसे छोटी इकाई जैसा कि मैंने बताया था वर्ण होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। नेक्स्ट वर्णमाला किसे वर्णमाला कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले उसे वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है। अब देखिए आ गया जैसे कि कस कंठ ध्वनि कैसी है, तो पहले फर्स्ट स्टेज कंठ ही मैंने बताया था। तो क से कंठ, क से कंठ, कर से क यानी कि क और ख, क वर्ण के जो भी वर्ण होंगे वो कंठ से उच्चारित होंगे। नेक्स्ट है स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो मूर्धन्य व्यंजन जैसे कि मैंने बताया ड और ध, ट ड और ढ मूर्धन्य व्यंजन है। निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन सा है। अब देखिए पूछ दिया आपको कि अल्पप्राण वर्ण कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेज हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था हर हर वर्ग का पहला वर्ण अल्पप्राण होता है और ऐसे ही पहला वर्ण अल्पप्राण और पहला, तीसरा और पांचवा, जैसा कि मैंने बताया था पहला तीसरा और पांचवा आपका अल्पप्राण होता है और दूसरा और चौथा हमेशा महाप्राण होता है। याद रखिएगा अल्पप्राण से स्टार्ट होता है महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, ऐसे ही क्या सीरीज चलता है। नेक्स्ट है निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है। तो निय है, निय का उच्चारण स्थान है नासिक। नेक्स्ट है ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं, तो कंठ और तालेब कहलाते हैं। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। तो अंग और अह जैसे कि मैंने बताया था अनुस्वार और विसर्ग अयोगवाह कहलाते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्विव व्यंजन है। तो द्वित व्यंजन कौन से शब्द में है, तो वह है दिल्ली में द्वित व्यंजन है। नेक्स्ट है तलाबे स मूर्धन्य स दंती स ह कौन सा व्यंजन कहलाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था संघर्षी वर्ण व्यंजन कहलाते हैं और य और ल व कौन सा व्यंजन कहलाते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन और विकसित ध्वनि कौन सी है। तो ख और ग है नवीन और विकसित ध्वनि। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है, तो म एक घोष वर्ण है। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए मैं समझा कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए तो ये मैं आपके लिए ले आया। नेक्स्ट है कौन सा अमानक वर्ण है, तो ये एक ऐसा वर्ण है जिसका कोई अमान्य वर्ण है, ऐसा कोई वर्ण नहीं होता है। नेक्स्ट है क ग ज फ ध्वनिया किसकी है, तो क ग ज फ ध्वनिया अरबी फारसी की ध्वनि है। क ग ज फ याद रखिएगा अरबी फारसी की ध्वनि है। नेक्स्ट है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 52 होती है। जैसा कि मैंने बताया था छ ध्वनि
किसके अंतर्गत आती है? तो संयुक्त वन के, संयुक्त छ त्र और ज्ञ संयुक्त वन के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा छ त्र ज्ञ तीन ऐसे वन है जो संयुक्त वन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो छ का क्रम आता है। नेक्स्ट है ज्ञ वर्ण किन वर्णों से संयोग से बना है? तो ज जोड़ ई बताया था मैंने, जैसे कि ज्ञ इन वर्णों से। अघोष वर्ण कौन सा है? आप अघोष अघोष आराम से पहचान लीजिएगा आप, दंती स अघोष अल्प्राण है ये, जैसा कि मैंने बताया था अघोष अल्प्राण है दंती स। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो कंठ है। घ का उच्चारण से निम्न से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो ज्ञ संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण के दृष्टि से दंत नहीं है? दंत का नहीं है तो यानी कि त वर्ग का हम हर वर्ण, अब ये भी त वर्ग है, ये भी त वर्ग है, ये भी तो ये ट वर्ग है, ये इनका मूर्धन होता है तो ये दंत का उच्चारण स्थान नहीं है। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो अकरांत शब्द कहते हैं, याद रखिएगा। देखिएगा जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे अकरांत शब्द कहते हैं। छ वर्ण किसके योग से बना है? तो क और मूर्धन्य ष के योग से छ वर्ण बना है। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो 13 है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो यह एक स्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग नहीं है? तो घ ट वर्ग नहीं है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या तो 33 होती है, व्यंजनों की संख्या हिंदी वर्णमाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है? तो आ एक पश्च स्वर है। निम्नलिखित में से कौन सा अयोग वाह है? तो विसर्ग और अनुस्वार जैसा कि मैंने बताया था अयोग वाह कहलाते हैं। नेक्स्ट है छ का उच्चारण स्थान सिंपल है, तालव्य है छ का उच्चारण स्थान। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो जैसा कि मैंने बताया था छ त्र ज्ञ संयुक्त व्यंजन है, यहाँ मूर्धन्य स संयुक्त व्यंजन नहीं है। तलब व्यंजन कौन सा है? तो छ ज झ तलब का तलब व्यंजन कहलाते हैं जो कि तलब से उच्चारण होते हैं। नेक्स्ट है य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन है य र ल व, मैंने बताया था। और नासिका का संबंध किससे होता है? तो नाक और मुंह दोनों से होता है। नेक्स्ट है अनुनासिका व्यंजन कौन से होते हैं? तो वर्ग का पंचम अक्षर यानी कि हर वर्ग का पांचवा अक्षर अनुनासिका वर्ण व्यंजन होता है, यानी कि अंग होगा, नीय होगा, न होगा, न होगा, फिर से पफ व म होगा, यानी कि हर वर्ग का पांचवा जो अक्षर होता है, क ख में अंग आता है, छ छ ज ण में ञ आता है, ट ठ ठ में न आता है, तो वो आपको वर्ग का पांचवा अनुनासिक व्यंजन कहलाता है। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या तो 11 है, 11 स्वर है। नेक्स्ट है कंठयोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, तो कंठ और ओष्ठ का मिलाकर कौन सा ध्वनि उच्चारित होता है? तो वो है और आप जब उच्चारण कीजिएगा तो उसमें कंठ और ओष्ठ दोनों का प्रयोग होगा। भाषा के निर्माण में इकाई का सही अनुक्रम तो ध्वनि और शब्द, जैसा कि मैंने बताया था आपको आएगा ध्वनि शब्द, तो सबसे पहले ध्वनि उच्चारित होता है, उससे शब्द बनता है, सबसे पद, पद से वाक्य का निर्माण होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से उच्चारण के स्थान के आधार पर कंठ से लेकर विवरण में उच्चारित व्यंजन ध्वनि का सही अनुक्रम, तो कंठ तालव्य वृष दंत और ओष्ठ होता है। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है प्रत्यय के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो प्रत्यय के पार्श्विक ध्वनि है, याद कर लीजिएगा, याद करने वाला है। प्रत्यय के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो पार्श्विक ध्वनि है। तो ये थे इंपॉर्टेंट कुछ वर्णमाला से चैप्टर, मैं आपका जल्दी ही सीरीज कंप्लीट करने का कोशिश करूँगा। 3-4 चैप्टर और बचे हुए हैं और मेन है कि आपको अलंकार बचा हुआ है एक और छंद बचा हुआ है, तो ये दो चैप्टर लाने के बाद अगर आप मुहावरे और लोकतिया भी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, वो चैप्टर मैं आपका हिंदी से कंप्लीट करा दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे लाइक बटन जरूर दबाइएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरे वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और एग्जाम के लिए तैयारी के लिए ऑल दी बेस्ट, मन लगा के तैयारी कीजिए क्योंकि बहुत कम समय बच गया है। करंट का मैंने जैसा कि ग्रुप में आपको दे ही रखा है, करंट का रिवाइज हो ही रहा होगा आपका। तो कैसा लगा मेरा वीडियो नीचे लाइक बटन है जरूर बताइएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि और कौन कौन से टॉपिक बढ़ा गए हैं हिंदी में जो कि आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं और उसके वीडियो आने चाहिए, तो मैं जरूर उसका बना दूंगा। ओके दोस्तों, बाय, जय हिंद।